ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली वेस्ट जिले हरिनगर विधानसभा के प्रताप नगर में 2017 में नगर निगम ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जनता की सुविधा दी गई थी। लाखों रुपए सांसद फंड से लगाए गए थे और अब वहां आवारा पशुओं और सामाजिक तत्व को अड्डा बना दिया गया है। पार्क में अब जनता को आने में डर लगता है। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हैं। सांसद फंड द्वारा ओपन जिम लगवाया गया था, वहीं सांसद फंड के ओपन जिम पर आज सामाजिक तत्वों की बुरी नज़र पड़ गई थी और उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने झूलों को आग लगा दी। ये पार्क DDA की जमीन पर है। रखरखाव और सफाई की जिम्मेदारी MCD की है। इसका विकास कार्य BJP पूर्व महापौर ने कराया था। प्रताप नगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पंडित रतनलाल पार्क की समस्या पर DDA को पत्र लिखा गया था। इसके बाद DDA ने इसको MCD की समस्या बता दी। लाखों करोड़ों रुपए पार्क में खर्च किए गए। जनता स्वस्थ रहे, बच्चों के भी खेलों का खेल हो जाए और सेहत अच्छी रहे, सभी लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहे। लेकिन पार्क के लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई कि सुबह की सैर करने के लिए कहां पर जाएं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने पर भी प्रताप नगर की समस्या गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।